कांवड़ यात्रा। कांवड़ शब्द का अर्थ बांस के बने एक ऐसे डंडे से जिसके दोनों ओर समान मात्रा में जल रखा जाता है। डॉट श्रावण माह चतुमार्स देवशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी के मध्य होता है और इसकी महत्ता यह है कि भगवान विष्णु के शया पर देवशयनी एकादशी आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष जाने के बाद संसार की जिम्मेदारी भगवान शिव पर एक माह के लिए होती है। पुराण ग्रंथ के अनुसार सागर मंथन के पश्चात सर्वप्रथम विष निकला जिसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया जो उनके कंठ में ही विद्यमान रह गया। उनका कंठ नीला पड़ गया जिससे भगवान नीलकंठ कहलाए। डॉट इस विष के प्रभाव से भगवान को पीड़ा हुई। त्रेता युग में भगवान के भक्त रावण ने गंगा जल को कांवड़ में भर कर लाया और भगवान पर चढ़ाया जिससे उनकी पीड़ा कम हुई। इसी मान्यता के साथ पौराणिक काल से ही कांवड़ यात्रा प्रारंभ हुई। यही कांवड़ यात्रा प्रत्येक वर्ष श्रावण माह में होती है जिसमें हरिद्वार गंगोत्री देवप्रयाग गोमुख आदि से कांवड़िये जल एकत्रित करते हैं और शिवालय में जल चढ़ाते हैं। डॉट ऐसी ही कांवड़ यात्रा बिहार के सुल्तानगंज से प्रारंभ होकर बैद्यनाथ धाम देवघर झारखंड में समाप्त होती है। वास्तव में ऐसी कांवड़ यात्रा प्रयागराज वाराणसी सहित लगभग सभी ज्योतिर्लिंग मंदिरों में श्रावण मास में देखी जाती है। प्रतीकात्मक तौर पर कांवड़ यात्रा का संदेश इतना भर है कि आप जीवनदायिनी नदियों के लोटे भर जल से जिस भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं वे शिव वास्तव में सृष्टि का ही दूसरा रूप हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित पुरा महादेव का कांवड़ से गंगा जल लाकर जलाभिषेक किया था। परशुराम इस प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश से गंगा जी का जल लाए थे। आज भी इस परंपरा का पालन करते हुए सावन के महीने में गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर लाखों लोग पुरा महादेव का जलाभिषेक करते हैं। गढ़मुक्तेश्वर का वर्तमान नाम ब्रजघाट है। अनुमान है कि पूरे भारत में 5 करोड़ से अधिक लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं जो पैदल या किसी वाहन से की जाती है। यात्रा के दौरान बोलबम भगवान शिव का नारा दिया जाता है और कांवड़िये भोले के नाम से पहचाने जाते हैं। डॉट कांवड़ यात्रा श्रावण मास में होती है जो भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का एक ऐसा काल है जहां कार्य मंद होता है। इतनी बड़ी संख्या में यात्रा के कारण अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलती है और कई गरीब परिवार इन दिनों मौसमी दुकानदारी भी करते हैं। डॉट विभिन्न राज्य सरकारें भी इसके धार्मिक एवं आर्थिक महत्व को समझते हुए इसे बढ़ावा देते हैं।